गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अपना चैप्टर है ए वाइज किंग। कौन सा चैप्टर चल रहा है? वाइज किंग। चैप्टर नंबर आपका है सेकंड। कौन सा चैप्टर चल रहा है? लेसन नंबर सेकंड है ए वाइज किंग, एक बुद्धिमान राजा। ए वाइज किंग, वाइज यानी होता है बुद्धिमान, किंग यानी राजा। तो ए वाइज किंग, एक बुद्धिमान राजा, ये अपना चैप्टर जो है वो चल रहा था। इसमें देखो हमने कुछ बातें पढ़ी थी कि सबसे पहले तो ये पढ़ा कि वंस ए किंग वेंट टू हंटिंग ऑन द फॉरेस्ट। एक जंगल में एक राजा शिकार करने के लिए जाता है, वह अपने घोड़े पे दौड़ लगा रहा होता है। आफ्टर लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय तक जब वह दौड़ लगा कर थक जाता है, तो ही स्पॉटेड का मतलब उसने देखा, एंड ए रोड आफ्टर इट, उसने देखा एक फॉवन का मतलब होता है कि हिरण जो होती है उसका बच्चा, एक जो डोवा होती है हिरणी उसका बच्चा जो होता है, उसको देखा और उसके पीछा किया और उसको पकड़ लिया। एंड अब पकड़ने के बाद वो उसको मारना नहीं चाहता, वो उसको मारना नहीं चाहेगा, बच्चा बहुत छोटा था तो उसको बहुत अच्छा लगा, उसने सोचा कि मैं इसको बांध करके अपने बच्चों के लिए ले जाऊँ। अपने बच्चों के लिए लेकर यदि मैं जाता हूँ तो वो उसको पालतू बनाऊंगा, उसको पालूंगा और मेरे बच्चे इसके साथ खेलेंगे तो उन्हें बड़ा आनंद आएगा। अब देखो ऐसे करते करते उसने उसको रस्सी से बांधा, रस्सी से बांधने के बाद उसके पैर को बांध करके घोड़े के ऊपर उसको बैठा लिया। अब वो वहाँ से धीरे धीरे कदमों से जंगल से निकल रहा था। फिर उन्होंने अपने घोड़े को तेज भगाना प्रारंभ किया कि जंगल से जल्दी निकले, अंधेरा होने वाली सिचुएशन आ रही है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। तो उन्होंने देखा कि एक जानवर उनका पीछा कर रहा है, दौड़ाते घोड़े को दौड़ने के साथ दूसरे जानवर के दौड़ने की भी आवाजें आ रही थी, तो उसको लगा, तो उन्होंने पीछे मुड़ करके देखा अपने चलते हुए घोड़े से, तो एक हिरण जो है उसका पीछा कर रही थी, हिरण उसका पीछा कर रही थी। जैसे ही उसने अपने घोड़े की रेस को धीरे किया, जब उसका हिरण जो पीछा कर रही थी, और वो एक फीमेल यानी मादा हिरण थी, कैसी हिरण थी? फीमेल हिरण थी, एंड टू कंटिन्यू फॉलोइंग, और वो लगातार उस जंगल से निकलते हुए जहां जहां राजा जा रहा था, जिस तरफ जा रहा था उसी तरफ वो भी उसका पीछा कर रही थी। इतनी बात हमने देखा था, पढ़ा था कि एक राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए जाता है, उसको काफ़ी घूमने फिरने के बाद कोई शिकार नहीं मिलता है, तो वह एक बार उसको एक स्पॉटेड होता है मतलब एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है, वो उसको दौड़कर पकड़ लेता है, पकड़कर वो उसको मारने का विचार नहीं रखता है, वो उसको पालतू बनाने के विचार से उसको रस्सी से बांध कर अपने घोड़े पर बिठा करके वो जंगल से निकलना चाहता है। जैसे ही वो जंगल से निकलते हुए अपने घोड़े को दौड़ा रहा होता है तो उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है कि कोई एक जानवर उसका पीछा कर रहा है। तो उसने पीछे मुड़कर जब देखा तो उसको पता चला कि एक हिरण है वो उसका कंटिन्यू लगातार उनका पीछा कर रही है। फिर उसको ये लगा कि ये हिरण हमारा पीछा क्यों कर सकती है, तो इन्होंने देखो क्या विचार किया, द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, जब वो पीछे मुड़कर देखा तो द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, किंग यानी राजा वो यदि था वेरी यानी बहुत, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, सरप्राइज्ड यानी आश्चर्यचकित, द किंग वॉज वेरी सरप्राइज्ड, एस सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्यचकित यानी अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना, अचानक से उसको लगा कि ये सरप्राइज का मतलब आश्चर्यचकित होना। द किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा आश्चर्यचकित था, ही न्यू दैट, न्यू KNOW नो, और नो यानी होता है जानना, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है न्यू, इसका मतलब जाना, और थर्ड फॉर्म होती है KNOW इस तरीके से। जब आप नेक्स्ट क्लास में जाओगे तो टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वर्ब की फॉर्म, आएगी वर्ब की फॉर्म। ही न्यू यानी वह जानता था, दैट कौन जानता था, राजा जानता था कि बोला मैंने कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए पास्ट टेंस में जाएगी। दैट की DOE डो यानी होता है हिरण, कौन सा हिरण,
मादा या फीमेल हिरण, मादा हिरण जो होता है, दैट डॉग इज टिम्ड क्रिएचर। टिम्ड यानी होता है डरपोक। क्या होता है? टिम्ड, टी ये लोग है, TIMID, टिम्ड। टिम्ड यानी होता है डरपोक। और क्रिएचर यानी प्राणी, CREATURE, क्रिएचर। क्रिएचर यानी प्राणी। तो ही न्यू दैट द डॉ इज टिम्ड क्रिएचर। जो डॉ जो होता है, मादा हिरण जो होता है, वो एक डरने वाला या डरपोक किस्म का प्राणी होता है। किस प्रकार का होता है? डरपोक किस्म का प्राणी होता है। वाई इज इट फॉलोइंग मी? देखो, वाई यानी क्यों, इज इट फॉलोइंग मी, ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है। राजा ने अपने आप से प्रश्न किया कि वाई इज इट फॉलोइंग मी। फॉलोइंग यानी पीछा करना, मी यानी मेरा, इट यानी है, वाई यानी क्यों, इज यानी है। तो ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? ही स्लो डाउन ही हॉर्स। ही स्लो, स्लो यानी धीरे करना, स्लो, हमने ना स्लो स्लो चलो। तो ही स्लोड डाउन हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े की रेस को धीमा किया, उसको धीरे किया। एंड स्टॉप्ड, स्टॉप्ड यानी रुकना, और वह रुक गया। ही स्लो डाउन हिज हॉर्स, उसने अपने घोड़े की रेस को धीमा किया। एंड स्टॉप्ड, और रुक गया। द डॉय, वही डॉय का मतलब हिरण, मादा हिरण। स्टॉप्ड टू, वह भी रुक गई। स्टॉप्ड यानी रुक गई, टू यानी भी, TOO यानी भी, यानी वह भी रुक गई। इट लुक्ड एट द फॉवन विद इट्स बिग सैड आई। इट लुक्ड यानी वह देख रही थी। इट लुक्ड एट द फॉवन यानी फॉवन यानी जो हिरण का बच्चा था, उसकी तरफ विद इट्स बिग सैड आईज, और उसकी बड़ी और सैड यानी दुखी आंखों में, यानी वह उस फॉवन को यानी उस हिरण के बच्चे की आंखों में, बड़ी दुखी आंखों में उसकी देख रही थी। इट लुक्ड एट द फॉवन्स, वह उस हिरण के बच्चे की तरफ देख रही, विद इट्स बिग एंड सैड आईज, अपनी बड़ी आंखों के साथ, दुखी आंखों के साथ, क्योंकि वह उसको बचा नहीं पा सकती, वो राजा ने उसको बांध रखा था। एंड द किंग अंडरस्टूड, किंग यानी राजा, राजा यानी किंग यानी राजा, अंडरस्टूड यानी समझ गया। अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है? समझ गया, समझ गया, अंडरस्टूड का मतलब समझ गया। द किंग अंडरस्टूड, राजा समझ गया। क्या समझ गया? इट इज द मदर, ही क्राइड। क्राइड यानी चिल्लाना, मदर यानी माता, यानी इट इज द मदर, ये उसकी माँ है। ही क्राइड, वह अपने मन में जोर से चिल्लाया कि ये जो पीछा करने वाली जो हिरण है, ये और कोई नहीं हो सकती, इट इज द मदर, ये उसकी माँ हो सकती है। ही क्राइड, सी फॉलोड हर चाइल्ड, वह किसका पीछा कर रही है? सी इज फॉलोड, सी इज फॉलोड हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे का पीछा कर रही है। सी इज फॉलोड हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे का पीछा कर रही है। सी इज फॉलोड हर चाइल्ड, वह अपने बच्चे का पीछा कर रही है। समथिंग स्ट्रेंज हैपन टू दैट किंग, समथिंग यानी कुछ, स्ट्रेंज यानी अजीब। क्या होता है स्ट्रेंज का मतलब? स्ट्रेंज यानी अजीब। समथिंग स्ट्रेंज हैपन टू दैट किंग, हैपन यानी घटित होना, टू दैट किंग उस राजा के साथ, यानी उस राजा के साथ कुछ अजीब सा घटित हुआ। उस समथिंग स्ट्रेंज हैपन टू दैट किंग, उस राजा के साथ कुछ अजीब सा घटित हुआ। इंस्टीड ऑफ द फोवन, इंस्टीड यानी के स्थान पर, के स्थान पर, इंस्टीड ऑफ द फोवन यानी हिरण के बच्चे के स्थान पर, ही सॉ फॉर ए मोमेंट, मोमेंट यानी क्षण, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए, हिज चिल्ड्रेन टाइड अप, हिज चिल्ड्रेन यानी बच्चे, टाइड यानी बंधे हुए, टाइड यानी बंधे हुए। तो फॉवन ही सॉ फॉर ए मोमेंट हिज चिल्ड्रेन टाइड अप, देखना दोबारा, क्या उसके साथ? समथिंग स्ट्रेंज हैपन टू दैट किंग, उस राजा के साथ कुछ अजीब घटित हुआ। इंस्टीड ऑफ द फॉवन, हिरण के बच्चे की जगह, ही सा उसने देखा, सा यानी देखा, फॉर ए मोमेंट एक क्षण के लिए देखा, हिज चिल्ड्रन टाइड अप कि उसके बच्चे उस घोड़े पर बंधे हुए हैं। एंड
बीइंग टेकन अवे फ्रॉम हिम, और उसको मुझसे यानी उसको हमसे दूर ले जाया जा रहा है। राजा सोच रहा है कि मेरे बच्चे जो उस घोड़े पे बंधे हुए मुझे दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे उन्हें अलग कर रहा है, कोई मुझसे उन्हें दूर ले जाना चाहता है, यानी उनके बीच में दूरी ले जाना चाहता है, वो अपने बच्चे को अपने पिता से अलग करना चाहता है। He understood, वह समझ गया what the dog would feel, वह समझ गया कि हिरण क्या सोच रही होगी, वह क्या फील कर रही होगी, वह क्या महसूस कर रही होगी, उसके क्या विचार चल रहे होंगे, अपने बच्चे से अलग होने का उसको कितना दुख हो रहा होगा, ये सब बातें उसके विचार में। Just then, तभी he untied the ropes, he untied यानी होता है खोलना, untied यानी खोलना, he untied the ropes, ropes यानी रस्सी, उसने रस्सी को खोल दिया, and set the fawn free, और उसने हिरण के बच्चे को स्वतंत्र कर दिया, छोड़ दिया, फ्री कर दिया। he watched उसने देखा, he watched उसने देखा, on as the mother and child turned and raced, वो दोनों एक दूसरे की तरफ मुड़े और इतनी जोर से भाग करके एक दूसरे के पास आए, मानो ऐसा लग रहा था कि उस हिरणी ने अपने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और उसे प्रेम करने लगी, प्यार करने लगी कि मेरा बिछड़ा हुआ जो बच्चा था कैसे जैसे मुझे वापस मिल गया। और वो एक बुद्धिमान और दयालु राजा की वजह से ही उस हिरण को उसका बच्चा वापस मिला। उन्होंने ये सोचा कि ये अपने माता पिता से बच्चा अलग होगा तो कैसा लगेगा, जब उसने अपने बच्चों के बारे में सोचा कि मेरे बच्चे ऐसे होते हैं तो कैसा लगता, उसी प्रकार उसको कैसा लगता है। तो ये फीलिंग करते हुए उन्होंने ये सोच विचार किया कि मैं इसके बच्चे को छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि यदि मेरे बच्चे कोई मुझसे अलग करता तो मुझे उस बात का कितना दुख होता। ही वॉज ऑन एज द मदर एंड चाइल्ड टर्न एंड रेस, उसने देखा कि किस तरह से हिरण और उसका बच्चा एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और एक दूसरे के पास जाते हैं, तो हिरण अपने बच्चे को प्रेम से सहलाने लगती है और वो बच्चा उसके पास जाकर पता बेहद खुश होगा। और राजा को इस बात की खुशी थी कि वो इस भावना को, इस विचार को समझ गया, इसलिए ही उसको क्या कहा गया, बुद्धिमान राजा, वाइज किंग। अगर वो बुद्धि नहीं लगाता कि ये क्यों आ रही है हिरण, आने दो इसको, क्या फर्क पड़ता है, और जो अजीब घटना उसके साथ यदि नहीं घटती, हिरण के घोड़े पर उसको हिरण के बच्चे की जगह यदि अपने बच्चे नहीं दिखाई देते तो वह कभी ऐसा नहीं सोचता। इसलिए ये कहानी हमें शिक्षा देती है कि जीवों पर दया करो, बच्चों को उनके माता पिता के पास भी रहने देना चाहिए, कभी उनसे अलग नहीं करना चाहिए, जानवरों के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। कल इस क्लास में हम इसका होमवर्क करेंगे, सारे बच्चे इसको नोटबुक में मेंशन करेंगे जो मेरे पैराग्राफ्स लिखे हुए हैं, पैराग्राफ लिख करके उसका हिंदी जो मैंने करवाया उसको बार बार पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।